PSL 7 की हतमी तैयारियां जारी हैं, सिक्योरिटी के बीच सख्त इंतजाम किए गए हैं। रंगारंग इफ्ताही तकरीब कल शेड्यूल है, तफसीलात बताएंगे इबादुल्ला खान। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो इंतहाई सख्त है। स्टेडियम के अंदर भी पाकिस्तान आर्मीज के कमांडो मौजूद है, इसके अलावा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और SSU के अहलकार भी जो है वो तैयार है। 24 घंटे यहां पर सिक्योरिटी की जा रही है और जो PSL की तैयारियां भी है वो दिन रात नेशनल स्टेडियम के अंदर जारी है। स्टेडियम और होटल के दरमियान जो जितना भी फासला है उसके ऊपर भी अहलकार तैनात है। गुज़िश्ता रोज एक PSL मैचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब। सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से मजमुई तौर पर 5,650 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 1200 कमांडो समेत 1700 एहलकार, ट्रैफिक पुलिस के 1500, स्पेशल ब्रांच के 500 एहलकार, रैपिड रिस्पांस फोर्स के 250 एहलकार फराइज संभालेंगे। रेंजेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, माहिर निशानाबाज भी तैनात होंगे। कमांड एंड कंट्रोल बस स्टेडियम के एतराफ की निगरानी के लिए मौजूद होगी, जबकि फजाई निगरानी भी की जाएगी। क्रिकेट को शटल बस सर्विस के जरिए पार्किंग पॉइंट से स्टेडियम तक लाया जाएगा। सर शाह सुलेमान रोड के एक ट्रैक के अलावा तमाम सड़कें आवाम के लिए खुली रहेंगी। शायकीन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड और 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन लाजमी करार। स्टेडियम में आतिशी असलहा, खिलौना, बंदूकें, धमाका खेज मवाद, पटाखे, सिगरेट, माचिस ममनू करार दिया गया है। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। PSL 7 का जाम सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। मैचेस के दौरान मजमुई तौर पर 5,000 से ज्यादा अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। सिंध रेंजर्स के जवान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके अहलकार भी फराइज सर अंजाम देंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल बताएगा सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। जी बिल्कुल, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने ये प्लान बनाया है जिसमें 5,650 सिक्योरिटी पर मामूर होंगे एहलकार। इसमें SSU के 1200 कमांडो समेत सिक्योरिटी जोन के 1700 एहलकार, ट्रैफिक पुलिस के 1500, स्पेशल ब्रांच के 500 और रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के 250 एहलकार तैनात होंगे। इसके अलावा रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार अलावा है। नेशनल स्टेडियम, कराची एयरपोर्ट रूट, प्रैक्टिस ग्राउंड, पार्किंग पॉइंट, होटल्स और दीगर मुकाम पर ये एहलकार तैनात होंगे। इसके अलावा माहिर निशानेबाज एहलकारों को भी अहम तनसीबात और वो ऊंची इमारतों पर रखा गया है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए जो है वो इनकी खुफिया निगरानी की जाएगी, जबकि फजाई निगरानी भी जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए की जाएगी। इसके अलावा तमाम तरह सिक्योरिटी के इंतजाम को अच्छी शक्ल दे दी गई है और समाजवीनों को ये कहा गया है कि वो जब स्टेडियम में दाखिल हो तो कोविड कार्ड, शनाख्ती कार्ड ये अपने हमरा जरूर लाए, मास्क जरूर पहने। इसके अलावा किसी किस्म के चाकू, फंजर या कोई आतिशबाजी असलाह लाने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग 7 के मैचेस का सिलसिला कल से कराची में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। यहाँ अपने नाज़रीन को अहम खबर से और ताजा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के मैचेस का सिलसिला कल से कराची में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। यहाँ अपने नाज़रीन को ताजा तरीन और अहम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के मैचेस का सिलसिला कल से कराची में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। सिक्योरिटी प्लान में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा K21 न्यूज हारून रशीद से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बताते चले कि PSL 7 के मैच के सिलसिले में सिक्योरिटी कमिश्नर की जाने से जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। मजमूरी तौर पर 5,650 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। SSU के 12 कमांडर समेत सिक्योरिटी कमिश्नर के 1700 एहलकार अपने फराइज सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक पुलिस के 1500, स्पेशल ब्रांच के 500, रिपेड सर्विस फोर्स के 250 एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिंध रेंजर्स के जवान और देकर कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार भी अपने फराइज सर अंजाम देंगे। एहलकार नेशनल स्टेडियम, कराची एयरपोर्ट रूट्स, प्रैक्टिस ग्राउंड, पार्किंग पॉइंट्स, होटल्स और देकर मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किए जाएंगे। महारे निशानाबाज भी अहम तनसीबा पर तैनात किए जाएंगे।
कमांडो ने कंट्रोल रूम बस स्टेडियम के इतराज की निगरानी के लिए नेशनल स्टेडियम पर क्यानूत की जाएंगी। टीमों की नकल व हरकत के दौरान फिजाई निगरानी भी की जाएगी। स्पेशल रेन एंड प्रैक्टिस SWAT टीम किसी भी आगामी सूरतयाल से निपटने के लिए SAU हेडक्वार्टर में अलर्ट रहेगी। आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सरशाह सलमान रोड के एक ट्रैक के अलावा तमाम सड़कें खुली रहेंगी। क्रिकेट शायकीन को शटल बस सर्विस के जरिए पार्किंग पॉइंट से स्टेडियम तक लाया जाएगा। शायकीन की रहनुमाई के लिए ट्रैक छोर पर मलबस SSU कमांडर्स पार्किंग पॉइंट से एलिगेटर की रहनुमाइयों के लिए आवाम की रहनुमाई करेंगे। स्टेडियम के हाथे में CNG सिलेंडर लेस गाड़ियों के दाखिले पर सख्त पाबंदी होगी। नेशनल स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए हकीम सईद गिरोल, बैतुल मुकर्रम मस्जिद, यूनिवर्सिटी रोड पार्किंग पॉइंट, मखसूस जगह नेशनल कोचिंग सेंटर से मुतलिका चाइना ग्राउंड VIPs के लिए मखसूस है। स्टेडियम के हाथे में CNG सिलेंडर लिफ्ट गाड़ियों के दाखिले पर सख्त पाबंदी है। शायकीन को अपनी शनाख्त साबित करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड अपने हमरा लाना लाजमी होगा। लंबी कतारों से बचने के लिए शायकीन को स्टेडियम से वक्त से पहले पहुँचना होगा। 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए C19 वैक्सीन लाजमी कराना होगी। स्टेडियम में दाखिल से पहले शायकीन को वैक्सीन सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। स्टेडियम में दाखिले के वक्त मास्क पहनना लाजमी होगा। कानूनी की खिलाफ वर्जी करने वाले शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। आतिशी असला, खिलौना, बंदूकें, धमाका खेज मवाद, पटाखे, सिगरेट, माचिस, लाइटर, चाकू और दिगर दांत स्टेडियम के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड पर जिस पर मजहब या नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक या फाशी बातें दर्ज होंगी सख्ती से मना होगी और इनको बैनर को अंदर लाने की इजाजत नहीं होगी। तमाशाई को गिरोह में फनकार और साथी तमाशों पर किसी भी किस्म की चीज फेंकने की इजाजत नहीं होगी। जी अच्छा हारून, ये भी बताइएगा कि बाहर से आने वाले प्लेयर्स इस सिक्योरिटी को देखते हुए किस हद तक मुतासिर नजर आ रहे हैं, मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी इसका जितने भी बाहर से गैर मुल्की आए वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी के लोगों को पहले से जो ब्रीफ किया था उसमें वो मुतमईन नजर आ रहे हैं। और इन खिलाड़ियों से हमारी कुछ से बात हुई तो उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमें आके खुशी हुई है और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली के लिए हम पुरअजम है और हमें जो है सिर्फ पुलिस कराची पुलिस की जानिब से पुरफुल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। हम सिक्योरिटी के लिहाज से जो है ना पुरमुतमईन है। जी अच्छा हारून, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने कोई मुतबादल रास्ता बताया सिक्योरिटी अहलकारों को? जी इसके लिए SSU हेडक्वार्टर में जो है ना निगरानी पॉइंट मुकर किया गया और किसी भी आगामी सूरत हाल पर फौरी तौर पर मुतल रास्ते भी जो है ना अपनाए गए हैं जो कि इस वक्त तक जो है ना खिचिया रखे गए हैं ताकि उससे थोड़ी आगामी सूरत हाल पर उन रूट का जो है ना इस्तेमाल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हारून, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगामी वहां की पाकिस्तान सुपर लीग 17 जे सिलसिले में सिक्योरिटी डिवीजन के तरफा सिक्योरिटी प्लान तैयार किया वियो है। मजमू तौर से 5,650 अहलकार सिक्योरिटी जहा फर्ज सर अंजाम दींदा। अहलकार नेशनल स्टेडियम, कराची एयरपोर्ट, रूट्स, प्रैक्टिस ग्राउंड्स बन हंधन से मुकर हूं जिन्हें टीमों की फिजाई निगरानी भी कई वी। समूरा रोड इन दौरान खुलल रहा। क्रिकेट के शौकीन के शटल बस सर्विस के जरिए पार्किंग पॉइंट्स का नेशनल स्टेडियम तक पहुंचाया वो। अयाज रोई खाने वाले से तफसील मालूम किया था। अयाज वधिक आगाह कर। जी बिल्कुल हमीर, PSL 17 जी मैचिंग के सिलसिले में सिक्योरिटी डिवीजन पारा वो सिक्योरिटी प्लान जो है वो जुड़ो वो है। मजमूई तौर से 5,650 एलका सिक्योरिटी के मामूर हूं SSU जहा 1,200 कमांडो समेत सिक्योरिटी डिवीजन का 1,700 अहलकार PSL 7 दौरान पाया फर्ज जमींदा जिनमें ट्रैफिक पुलिस जहाँ 1,500, स्पेशल ब्रांच जहाँ 500, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जहाँ 250 अहलकार PSL 7 की मैचिंग दौरान मुकर्र थल हूँ। सिंध रेंजर्स जहाँ जवान जो कानून लागू कर इदारा उन्होंने अहलकार को पाया फर्ज सर अंजाम दींदा। अहलकार नेशनल स्टेडियम, कराची एयरपोर्ट, रूट प्रैक्टिस ग्राउंड, पार्किंग पॉइंट्स, होटल्स बिन मुख्तलिफ जगह से ये मुकर थे हूं। निशाना जो माहिर जो उसे मुख्तलिफ हंधन से मुकर किया वा जैसे टीमों की नकल हरकत दौरान सजाई निगरानी जी है वह भी कई वी। उनके अलावा आवाम की सहूलत के नजर में रखे
को भी जो रोड है वो ट्रैफिक लाइ बंद नी हों समा रोड जो है खुलंदा पर सिक्योरिटी जो है वह सख्त कई वी मेहरबानी तफ्तील ॾियण जे लाइ आयाज़।